So hello everybody and welcome back to my YouTube channel. And in today's podcast, मेरे साथ एक बहुत ही special guest है, Mr. Shakil Ahmed, who's going to be soon Dr. Shakil Ahmed. So Shakil sir has completed his masters from NIPER Ahmedabad in pharmacology and toxicology, and is currently pursuing as a PhD research scholar from NIPER Mohali in pharmacology and toxicology. So, sir has an extensive research background and is acquainted with a lot of techniques, right from protein estimation to RT-PCR to blotting. And sir has also received awards such as CC Kartha Travel Grant Award as well as Young Researcher Award. So, sir has his expertise in stroke, Parkinson's disease, and cancer. And आज के ये session में sir हमारे लिए थोड़े insights provide करेंगे. के पीएचडी इन इंडिया, पीएचडी इन अब्रॉड, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो शकील सर, वेलकम इन टुडेज पॉडकास्ट. थैंक यू पयाम फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट. सो इट्स माय प्लेजर टू गाइड योर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स हु आर वाचिंग यू. सो लेट्स स्टार्ट. ओके सो सर, द फर्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन पीएचडी एजुकेशन ग्लोबली? मतलब ऐसे कौन से ट्रेंड्स है जो बहुत इमर्जिंग है पीएचडी? ओके राइट नाउ देर आर टू थिंग्स. लाइक इफ यू सी, अगर हम ऐसे देखें कि पीएचडी का जो ट्रेंड, आप किस सेंस में पूछ रहे हो, लाइक पीएचडी एजुकेशन से रिलेटेड किस पे, कैसे पीएचडी का जो ट्रेंड चल रहा है. लाइक अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं, रिसेंटली जब मैंने 2020 में पीएचडी ज्वाइन की, एट दैट टाइम अगर आप देखो, मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ एज वेल एज मैं इसी को एज ए अब्रॉड में भी ज्वाइन करूंगा एज ए ग्लोबली. सो नेशनल लेवल पे देखें, एट माई टाइम, तो मैं अभी हम नाइपर मोहाली को जस्ट ऐसे सैंपल मान के चलते हैं, तो उस टाइम अगर देखें तो सीट्स जो नाइपर इनटेक करता था अराउंड 8 सीट पीएचडी की, राइट. सो और आज के केस में अगर हम देखें, राइट नाउ द सिनेरियो इज नाइपर मोहाली सेल्फ इनटेक 65 to 80 सीट्स इन पीएचडी. सो दैट सजेस्ट कि ट्रेंड जो है, जो एजुकेशन जो पीएचडी की तरफ लोगों का रुझान है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है फ्रॉम 8 सीट एंड टू 65 सीट. एज वेल एज अगर आप डेटा देखोगे डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक वन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन, विच ऑल्सो सजेस्ट की जो एजुकेशन पीएचडी डॉक्टरेट की जो एजुकेशन है वो लास्ट डिकेड के अराउंड 60% इंक्रीज हुई है. सो दैट्स अ ह्यूज नंबर, राइट. इन माई केस एज वेल, अगर हम देखें जो मैंने खुद ने अपना मास्टर किया, उस टाइम अगर हम देखें जो ट्रेंड था कि अभी इंडिया से, तो ठीक है इंडिया से भी बहुत कम मिलते थे उस टाइम पीएचडी, लोग इंटरेस्टेड नहीं थे एज सच. बट अभी अगर देखें, उस टाइम एब्रोड जाने वाले बहुत ही गिने चुने लोग होते थे, राइट. वेरी वेरी लेस पीपल्स जो कि एब्रोड जाते थे, वो फियर था, आइदर वो कोई भी फियर हो सकता है, बिकॉज हमें ऐसा फियर ऑफ रहता था कि हम वहाँ पे इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो उस वजह से भी कम थे. लेकिन अभी अगर हम ट्रेंड देखें कंटिन्यू, तो बच्चे हमारे आसपास ही हम देख लेते हैं कि कितने सारे बच्चे एब्रोड जा रहे हैं. तो जो एब्रोड जाने का, एब्रोड से पीएचडी करने का ट्रेंड है, वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू एब्रोड से एज वेल एज इंडिया में, दोनों तरफ जो ट्रेंड है पीएचडी के एजुकेशन का बहुत ज्यादा है. तो इसके पीछे का रीजन बहुत सारे हैं. लाइक अगर हम देखें जो पीएचडी, पहले तो पीएचडी का एज सच कोई बैकग्राउंड, मतलब पहले इन द सेंस देखें कि मास्टर के बेसिस पे भी आप बहुत कुछ कर सकते थे. बट अभी जैसे जैसे एजुकेशन की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है और आप देख रहे हैं जैसे जैसे एजुकेशन, ज्यादा लोग एजुकेशन में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो इंक्रीज हो गए हैं. अभी जहाँ पे पहले मास्टर के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाती थी या कोई एलिजिबिलिटी आप रहते थे एलिजिबल किसी चीज के लिए, वहां पे अब पीएचडी लगा दी गई है, तो उस सेंस में भी एक एलिजिबिलिटी ट्रेंड बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है. तो इन अपकमिंग ईयर भी हम देख सकते हैं कि डेफिनेटली बहुत तगड़ा एक शिफ्ट आने वाला है पीएचडी को लेके, राइट. ओके तो ये तो एक ट्रेंड है एजुकेशन पॉलिसी, और एजुकेशन पॉलिसी भी इंडिया में भी हम देखें तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अब उसके अकॉर्डिंग भी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत है. राइट. सो सर, अगर हम प्रोसेस करें के प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर पीएचडी इन इंडिया अगेंस्ट प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पीएचडी इन अब्रॉड, सो क्या डिफरेंस है दोनों में कॉस्ट वाइज एज वेल एज कोई एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी वाइज? आप कुछ उस पे लाइट थ्रो कर सकते? अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें, लाइक इंडिया में क्या प्रोसेस है पीएचडी का, इंडिया में बहुत सिंपल प्रोसेस है. बेसिकली इंडिया में डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पीएचडी करना चाह रहे हैं. अगर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप अगर पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे तो आप डायरेक्ट प्रोसेस है कि आप जाओ एडमिशन लो और आप कंटिन्यू करें. बट अगर आप जो इंस्टीट्यूट है, लाइक इंडिया में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सबसे बेस्ट जो इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर माने जाते हैं वो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस,
जिसके अंदर मोजर जो इंस्टीट्यूट हैं आप सुनते हैं, आईआईटी, आईसर, नाइपर, एम्स, ये सब के सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। अब इनमें अगर आप देखें, इनका एक प्रोसेस है, इसमें एग्जाम बेस पे आपका एडमिशन होता है, आपकी एग्जाम के अंदर एक रैंक आती है, और इसके लिए बहुत सारे एग्जाम है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो सबसे मेन एग्जाम है वो है सीएसआईआर नेट जेआरएफ। तो सीएसआईआर नेट एग्जाम जो लेता है, वो कंडक्ट कराता है, वो एकदम हम बोल सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स है। अगर आप सीएसआईआर के लिए प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो अदर एग्जाम्स है, लाइक गेट है, और भी इस कुछ इंस्टीट्यूट का अपना एग्जाम्स है, लाइक अगर हम देखें नाइपर का अपना नाइपर जेडब्ल्यू पीएचडी का एग्जाम अलग से होता है, तो इन सब में भी एक अलग अलग, अब इन एग्जाम्स को देने के बाद आपको एक डिफरेंट आपकी जो रैंक आएगी, रैंक के बाद आपकी जब पीएचडी सेशन होगा, इंडिया में मोस्टली टू दो सेशन रहते हैं पीएचडी के, एंड इन दोनों सेशन में जब आपका पीएचडी में प्रोसेस होगा, आपका जो रैंक के बेस पे एक काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा, राइट। अगर आपकी रैंकिंग उस लेवल की है, आप उसको इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन मिल सकता है, तो डेफिनेटली आप इंस्टीट्यूट में उसमें चले जाओगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें एब्रॉड का क्या सीन है, एब्रॉड में क्योंकि एज सच कोई एग्जाम नहीं है, वहां पे जो एग्जाम्स होते हैं वो लैंग्वेज के लिए एग्जाम्स होते हैं, कि दे आर टेस्टिंग अस, लाइक हम इंडिया से हैं तो हमारी जो इंग्लिश है वो इतनी प्रोफिशियंसी है हमारी इंग्लिश में कि हम वहां पे सर्वाइव कर पाए, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, लाइक जीआरई होता है, टॉफल होता है, आईलेट होते हैं, ये सब एग्जाम वहां पे आप क्वालिफाई करके जाते हो और वहां पे आप अप्लाई करते हो। एप्लीकेशन का प्रोसेस भी अलग अलग होता है। इसमें क्या है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू या इंस्टीट्यूट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, उसी टाइम फ्रेम में जो आपकी एडमिशन प्रोसेस है वो चालू होता है, और आपको याद रखना होता है कि ये कौन सा प्रोसेस है, अभी किस टाइम में एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, तभी आप अप्रोगे। और वहाँ पे यूनिवर्सिटी की क्या क्या है कि कंडीशंस होती हैं, लाइक हम जीआरई के बेसिस पे हम प्रीफर करते हैं स्टूडेंट को, या हम जो भी अपनी उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वहाँ पे सारे के सारे मेंशन होते हैं ना, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं। बट दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने मास्टर में, लाइक सपोज करो कि मास्टर में आपने कोई रिसर्च वर्क किया और आप चाह रहे हैं कि मैं पर्टिकुलर उसी रिसर्च फील्ड में मैं आगे पीएचडी ज्वाइन करूं, तो आप पर्सनली भी जो उस फील्ड में वहां पे जो फैकल्टी है वो काम कर रहा है, प्रोफेसर उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको भी आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। तो उस केस में हम डिफरेंट डिफरेंट जो हम देखते हैं कि उनको हमें अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या जो भी हमारा होता है, हमें उनको मेल करना पड़ता है, हर चीज हमें उनको बतानी पड़ती है, अगर उनके यहाँ कोई पोजिशन होती है तो दे विल ऑफर अस ए पीएचडी। तो ये भी एक तरीका है पीएचडी लेने का एब्रॉड। So, since sir examinations की बात कर रहे थे, one fact that I would like to the audience know about sir, that sir is All India rank one in NIPER JEE PhD. So obviously जो जितने deep analysis sir दे सकते हैं आपको, probably कहीं और से आपको उस लेवल के नहीं मिलेंगे. सर मूविंग ऑन, जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर पीएचडी इन इंडिया एंड अब्रॉड. मतलब लोगों को सिर्फ एक पता है टीचिंग, क्या उसके अलावा भी कोई और फील्ड्स है आफ्टर पीएचडी जहां पे आप जा सकते हो, जो आप काम कर सकते हो इन इंडिया एंड ओके, अब्रॉड? एक्चुअली एज सच, या एज सच अगर हम देखें तो करियर प्रोस्पेक्टिव सेम ही रहेंगे ऑलमोस्ट, आइदर चाहे हमने पीएचडी अब्रॉड से की हो और या हमने इंडिया से की हो, बिकॉज जो हमारी क्वालिफिकेशन है, अगर हम पीएचडी को देखें एज ए नॉर्मल, तो पीएचडी जो है अकेडमिक हायर क्वालिफिकेशन है, लाइक हायर डिग्री है, इससे हाई कोई डिग्री है नहीं अकेडमिक्स के अंदर, है ना। तो इसी डिग्री के बेस पे जहाँ भी हमारी एलिजिबिलिटी रहेगी हम वहाँ पे जाएंगे, तो दोनों ही डिग्रियों को बराबर प्रीफर किया जाएगा, आइदर आपने अब्रॉड से किया हो चाहे इंडिया से किया हो, है ना। तो प्रेफरेंस किस चीज को दी जाती है, बेसिकली प्रेफरेंस उस चीज को दी जाती है, जैसे हम करियर प्रोस्पेक्ट पूछ रहे हैं, लोग जनरली अकेडमिक्स में जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अकेडमिक्स के अलावा आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो, राइट। लाइक इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, इंडस्ट्री में अगर आप देखें आरएनडी, जैसे हम अकेडमिक में दो एस्पेक्ट हैं, लाइक या तो आप आइदर टीचिंग में जा सकते हो, टीचिंग में क्या है कि सिर्फ आपको टीचिंग टीचिंग करनी है, आइदर आप चाह रहे हो कि मैं टीचिंग में ना रह के अपना अपने आप को रिसर्च फील्ड में डेवलप करूं, तो वहां पे आप रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो वो एक एस्पेक्ट है कि टीचिंग के अलावा अलावा हम रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर सकते दूसरा क्या है, या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कोई जो हमारा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आरएनडी जो बेस्ड सिस्टम है, या हम ऐसा नहीं है लोग जनरली आरएनडी ही प्रीफर करते हैं, लोग कंसल्टेंसी में भी जाना पसंद करते हैं आफ्टर पीएचडी, बेस्ड ऑन कि उनका जो नॉर्मल उनका जो करिकुलम था उसके अंदर उनमें किस चीज पे उनका ज्यादा फोकस रहा है, या किस में उनको ज्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि डेस्कटॉप पे जो रिसर्च मैनुस्क्रिप्ट लिखना, ये सब लिखना, रिव्यू मैनुस्क्रिप्ट लिखना, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो दे विल प्रीफर कि लाइक हम कंसल्टेंसी टाइप जॉब प्रीफर करें। ऑन द अदर हैंड कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पीएचडी में अपना आफ्टर पीएचडी जो आरएनडी वाले सिस्टम को ज्वाइन करना पसंद करते हैं, तो वहां पे भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, एज ए मैनेजर आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पे,
अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप चाह रहे हो कि ठीक है अभी तो हम ये है कि हमने पीएचडी किया, मुझे अभी जॉब नहीं करनी, ऐसा जॉब नहीं करनी, लाइक एकेडमिक की जॉब भी नहीं करनी, इंडस्ट्री की जॉब भी नहीं करनी, तो यू कैन कंटिन्यू योर हायर एजुकेशन आफ्टर पीएचडी, तो आप पोस्ट डॉक कर सकते हो। पोस्ट डॉक इंडिया से भी हो जाती है एज वेल एज एब्रोड से भी हो जाती है, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस कि आप कहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हो। पोस्ट डॉक में भी बेसिकली यही होता है कि आप अपनी जो रिसर्च है उसी को कंटिन्यू करके रखोगे, एज एक्सपीरियंस भी होता है वो, एज सच कोई डिग्री नहीं है वो, है ना। तो उसमें हम डिफरेंट लैब ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे हम वर्क करते हैं और अपना फर्दर हम एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन करते हैं। ऑन द अदर हैंड बहुत सारी पोजीशन अलग भी निकलती है, लाइक रिसर्च एसोसिएट, आप साइंटिस्ट की पोजीशन निकलती हैं डिफरेंट डिफरेंट, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। आप देखोगे बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पीएचडी के बेसिस पे आपको वैकेंसी मिल जाएंगी इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो पीएचडी इज ए वास्ट एरिया, लाइक ऐसा नहीं है कि हम टीचिंग ही टीचिंग में जाएंगे, आप बहुत सारे एरिया नए नए एक्सप्लोर कर सकते हो आप, है ना। एज ए नए नए एक्सप्लोर करने के बाद आप चाहो तो कल को आप अपने ही कुछ उसके बेसिस पे ऐसे, अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पीएचडी कर रहे हैं तो हम सिर्फ टीचिंग में ही जाएंगे। इन बिटवीन पीएचडी के टाइम पे ऐसा भी होता है बहुत सारे लोग किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये एक रिसर्च बेस्ड प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हम दे सकते हैं। तो अगर आपको कोई 5 साल में ऐसी कोई प्रॉब्लम भी मिल जाती है जो रिसर्च बेस्ड प्रॉब्लम है और आप सोचते हो कि हाँ इसको मैं सॉल्यूशन कर सकता हूँ, तो आप स्टार्टअप भी कर सकते हो उसी के बेसिस पे, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा ऐसा नहीं है कि आप यहीं यहीं पे जो चीज है आपकी उसी चीज पे आप फोकस करो कि हाँ हम तो सिर्फ अकेडमिक, ऐसा नहीं है। आप वास्ट फील्ड में कहीं पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज में आपका स्कोप है और स्कोप दोनों तरह से सेम है। वो हमारी देखो वो हमारे अंदर होता है कि हम जनरली सोचते हैं कि कोई अगर स्टूडेंट बाहर से पीएचडी करके आ रहा है तो हम ज्यादा उसे सोचते हैं कि हाँ इसने बाहर से किए एज कम्पेयर टू इंडिया, बस इतना ही फर्क है ना। एलिजिबिलिटी अगर डेफिनेटली किसी पोस्ट के लिए इंडियन स्टूडेंट ज्यादा प्रेफरेंस है, उसकी स्किल ज्यादा है, तो वो ही प्रीफर किया जाएगा एज कम्पेयर टू एब्रॉड। सो काफी मल्टीफैसेटेड अप्रोच है, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स भी है, स्टार्टअप्स भी है एंड एकेडमिक्स भी है. राइट, डेफिनेटली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप देखें बहुत सारी पोस्ट निकलती रहती हैं फैकल्टीज के लिए भी, रिसर्च साइंटिस्ट के लिए भी, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली इट्स अ मल्टीफैसेटेड, यस। सो सर, कैन यू गिव सम इनसाइट्स अपॉन स्टाइपेंड्स एंड कॉस्ट, मतलब अगर कोई, अगर आप बात करें JRF एज, आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा CSIR का, NIPT पर आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉरेन में अगर कोई है ओके तो ओके, कितना मिलता है. सो इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में बेसिकली हमें सबको जैसे पता है कि JRF और SRF ही मिलती है मोस्ट प्रोबेबली हर स्टूडेंट को, जो भी एक अच्छी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो ये भी नहीं रहता है तो हमें अलग से हम फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज को, तो वो देती हैं। तो इन इंडिया में अगर अभी हम देखें करंट जो JRF है, जो JRF इनिशियली 2 साल के लिए JRF रहता है, आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट 2 ईयर जो PhD के हैं आप JRF रहोगे, उस JRF में आपको करंट जो है 37,000 प्लस HRA मिलता है। HRA वेरी करता है डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सिटी टू सिटी, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप 2 साल के बाद PhD में ट्रांसफर होते हो, आप थर्ड ईयर में आना स्टार्ट हो जाते हो, तो वहां से आपका SRF कन्वर्ट हो जाता है। अब ये JRF टू SRF कन्वर्ट होना, ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट कुछ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे आप JRF टू SRF कन्वर्ट हो गए, वहां पे वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे तभी आप SRF में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो इस SRF में आप जब चले जाओगे तो अभी करंट जो है आपको 42,000 मिलेंगे प्लस HRA उसमें अलग से रहेगा। तो ये तो है इंडिया में, ऐसा नहीं है अब इंडिया में यही JRF और SRF है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी फेलोशिप भी है लाइक PMRF फेलोशिप है, उसमें और भी ज्यादा आपको मिलता है, उसका अमाउंट भी आप देख सकते हैं वो 70,000 प्लस मिलता है, तो उसमें भी एक स्कोप है आपके लिए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कोप खुलते हैं। ये तो है करंट इंडिया का सीनेरियो, बट अगर देखा जाए तो इंडिया में PhD जैसे है, आप रहना सहना देखें जैसे PhD में फेलोशिप कम है बट जो लिविंग कॉस्ट है वो थोड़ी कम है अगर देखा जाए ना, रहने पे आपका कम खर्चा होता है तो उस वजह से आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। एब्रॉड में अगर आप देखो जो फेलोशिप है वो अच्छी है एज कम्पेयर टू इंडिया, वो बहुत अच्छी है, वो डिपेंड करता है आपका कहाँ पे हुआ है, वेरी करती है, बट ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो कि इंडियन अगर देखा जाए तो 2-2.5 लाख रुपए के आसपास आपको देख सकते हो आप मिल जाती है, बट उसमें से ऑन एन एवरेज आधा तो आप 50% तो आप समझ के चलो कि आपका उठ ही जाने वाला है क्योंकि खर्चा ज्यादा है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में अगर आपको 42 मिल रहे हैं तो आपका आधा नहीं उठेगा, आप 25% में भी सर्वाइव कर सकते हो, है ना। तो वो है, बट यस ऑफ कोर्स कि बाहर जो है वो फेलोशिप ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि बाहर जो फंडिंग है वो रिसर्च को ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में रिसर्च के लिए फंडिंग कम है, फंडिंग कम होने की वजह से फेलोशिप भी कम है और इवन रिसर्च की जो फैसिलिटी है उनमें भी थोड़ी कमी है। बाहर जो है आपको फेलोशिप अच्छी मिलती है, आप उसमें बचा भी सकते हो, डेफिनेटली बचा सकते हो, एक अच्छा खासा अमाउंट आप सेव भी कर सकते हो, बट जो लिविंग कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा है अगर देखा जाए एब्रॉड में। ओके,
ये थोड़ा ही है। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट आर देर एनी स्पेसिफिक फील्ड जिसमें ही पीएचडी करने चाहिए, जैसे पीएचडी इन लाइफ साइंस, पीएचडी इन फार्माकोलॉजी, या सारी पीएचडी ही इक्वल इंपॉर्टेंस की है? मतलब कोई वेटेज है ऐसी स्पेसिफिक पीएचडी का जो आप करोगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, लेकिन फ्रॉम अब्रॉड से या फ्रॉम इंडिया से, एनी नहीं नहीं स्पेसिफिक? देखो ना, एक्चुअली पीएचडी तो पीएचडी ही है, पीएचडी सबसे हाईएस्ट डिग्री है, तो उसमें तो कोई पार्शियलिटी है नहीं कि आप पीएचडी किससे कर रहे हो। आपका पीएचडी होने के बाद हर कोई आपको डॉक्टर ही बुलाएगा, आइदर आपने किसी भी स्ट्रीम में पीएचडी की हो, उसमें तो कोई एज सच है नहीं कि हमने इसमें पीएचडी की। अब डिपेंड करता है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि हर कोई एक ही फील्ड में नहीं कर सकता पीएचडी, क्योंकि इंटरेस्ट हर किसी का अलग अलग होता है। अब लेट सपोज मैंने अपना मास्टर फार्मा में किया है, तो मैं फार्मा में अपनी फार्माकोलॉजी वगैरह में पीएचडी करूंगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, अब जैसे मैं अपनी पीएचडी, मैंने अपनी मास्टर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में की, तो मैं वहीं पे अपनी जो पीएचडी उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही किसी दूसरे इंसान ने किसी दूसरे फील्ड में अगर अपनी मास्टर की है, उसको इंटरेस्ट दूसरे फील्ड में, तो वो डेफिनेटली पीएचडी भी दूसरे फील्ड में करेगा। तो पीएचडी जो करना, किस फील्ड में करना, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। इट्स नॉट लाइक कि स्कोप, स्कोप तो डेफिनेटली हर जगह है। आप अगर अच्छे से आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आप जितना उसको टाइम देना चाहिए उतना दे रहे हो, तो डेफिनेटली स्कोप तो है ही हर जगह, है ना। मेहनत नहीं करोगे तो स्कोप कहीं भी नहीं है, चाहे आप कोई सी भी ब्रांच लेके बैठ जाओ, किसी भी चीज में पीएचडी कर लो, एब्रोड से कर लो चाहे इंडिया से कर लो, कहीं पे भी कोई स्कोप नहीं है अगर आप उसमें अपना हार्डवर्क या अपना जो भी डेडिकेशन है वो नहीं देते हो तो, है ना। ये टोटली डिपेंड करता है, बट ऐसा है कि देखो ये डिपेंड करता है, टोटल डिपेंड है पर्सन टू पर्सन। जिसको जहां इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में पीएचडी करेगा और उसी में एक्सेल। फिर फर्दर उसके लिए जो रिसर्च अपॉर्चुनिटी या जो भी अपॉर्चुनिटी खुलेंगी वो उसी फील्ड में खुलती चलेगी। उस फील्ड और डेफिनेटली इंडिया तो बहुत वास्ट मेजोरिटी में, रिसर्च तो वास्ट मेजोरिटी है, बहुत लोग चाहिए चाहिए डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च करने के लिए, राइट। तो हर सो फील्ड में होना सर भी जरूरी है। करेक्ट। सो सर अगर हम आपको बोले कि आप अपने 4 इयर्स ऑफ पीएचडी की जर्नी को डिस्क्राइब करिए इन फ्यू सेंटेंसेस और योर जर्नी अप टू पीएचडी, तो आप कुछ ऐसा इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल ऐसा कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए बोलना चाहेंगे कि आपका क्या कैसी जर्नी रही पीएचडी की? देखो मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही, मतलब मैंने तो, मेरा तो जो बैकग्राउंड था बीफार्म में, तो हमारा ज्यादा एक्सपोजर रहता नहीं था रिसर्च बैकग्राउंड से लेके। तो मैंने जब नाइपर अपने मास्टर में ज्वाइन किया तो मुझे एक्सपोजर मिला रिसर्च का, तो मुझे पता चला कि ठीक है मेरा ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च की तरफ ज्यादा है। तो मैंने रिसर्च ज्वाइन की और मैं नाइपर मोहाली आया, तो यहाँ पे आके देखा कि नाइपर मोहाली में जो है पीएचडी, जितना हम सोचते थे कि पीएचडी सिर्फ एक चीज में मास्टरी करना है, एक चीज में आप डॉक्टरेट हो जाते हो या आप एक चीज को मास्टर कर लेते हो, उसके जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है। पीएचडी में आप बहुत सारी चीजों की मास्टरी कर लेते हो, है ना। आपका पेशेंस लेवल, आप पेशेंस नॉर्मल नहीं रख पाते, आप पीएचडी कर लो, पेशेंस लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपकी जो मेच्योरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपको चीजों को समझने की जो कैपेबिलिटी है वो अलग आ जाएगी, है ना। क्योंकि रिसर्च 5 साल एक बहुत लंबा पीरियड है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, फ्रॉम अकेडमिक्स टू रिसर्च, एवरीथिंग, हर चीज आपको सीखने को मिलती है। और मेरे को भी हर चीज मोस्टली, मैंने अगर देखा जाए तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपोजर मेरे को नाइपर मोहाली में मिला, हर चीज की फैसिलिटी यहाँ पे मिली, तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था वो वेरी गुड है। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही है डेफिनेटली, इतना तो कभी सोचते नहीं थे कि हम इतनी चीजें भी सीख जाएंगे। अब रही बात इसके लिए व्यूवर्स के लिए, जो भी पीएचडी करना चाहे, बस मैं एक ही चीज उनको हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप अपना सबसे पहले रिसर्च इंटरेस्ट फाइंड करो, वेदर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है या नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में नहीं है तो यही एडवाइस रहेगी कि आप पीएचडी कभी ज्वाइन ना करें, क्योंकि 5 साल काटना ना फिर आपके लिए भारी भी पड़ जाएगा। 5 साल अगर आपके रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आपको जाते हुए दिख जाएंगे और जल्दी कट जाएगा टाइम, बट अगर आपका इंटरेस्ट वहां पर नहीं है तो डेफिनेटली 5 साल आपके लिए बहुत ही भारी पड़ जाएंगे, आपको बीच में छोड़ना भी पड़ जाएगा। तो अपना रिसर्च फाइंड आउट कीजिए कि आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है या नहीं, तो उसी बेसिस पे आप पीएचडी ज्वाइन कीजिए। ये थे शकील सर हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में, एंड बिफोर वी एंड आई वुड लाइक टू एक्चुअली टेल ऑडियंस के सर इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग है, आई बिलोंग टू द सेम लैब एज सर, एंड वो इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, तो और इनके इतने एनालिसिस उनका स्ट्रांग है, सो इसलिए आई रिक्वेस्टेड हिम के सर आप एटलीस्ट हाफ एन आवर निकाल के आइए, हमारे ऑडियंस व्यूअर्स को थोड़ा सा इनसाइट्स दीजिए, गाइड करिए, सो दैट दे गेट अक्वेंटेड विद पीएचडी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग टुडेज पॉडकास्ट, मोस्ट एंड वेलकम, मोस्ट वेलकम। आई होप जो भी या हमारे यार व्यूअर्स के डाउट्स रहेंगे वो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, एज एंड व्हेन सर को जब टाइम मिल पाएगा सर डेफिनेटली मेरे थ्रू कन्वे कर देंगे, सो आई आंसर योर डाउट्स एज वेल, एंड सर की लिंक्डइन प्रोफाइल आई विल बी ड्रॉपिंग आउट इन द सेक्शन, आई होप आप उनको फॉलो कर सकते हैं वहां पे टू नो अबाउट हिम मोर एंड हिज प्रोग्रेस अहेड, सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग टुडेज पॉडकास्ट। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।